ये है मेरा करंट स्टूडियो जिसमें मैंने पिछले 2-3 साल से बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मेहनत करी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप लोग तो आ नहीं सकते क्योंकि ये मेरे घर के अंदर है। यहाँ पर मैं किसी को सिखा नहीं सकता पर्सनली, ना कोई क्लास ले सकता हूँ। लेकिन उसी के चलते जो हमारा स्टार्टिंग से एक गोल रहा है हमेशा से, अपना फिल्म स्कूल ओपन करने का, उसके लिए मैंने एक जगह ली है जहाँ पर आप लोग भी आ पाओगे। किस तरीके से फोटोज खींचते हैं, किस तरीके से वीडियोस बनाते हैं, वो सारा आप एक्चुअल में सामने बैठ के सीख पाओगे। जैसे किसी भी स्कूल पे आप जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, ट्यूशन पे जाते हो, वैसे ही आप यहाँ पर आके भी सीख पाओगे। और अगर आप कोई मॉडल हो, पोर्टफोलियो बनवाते हो अपना, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की एड बनवाते हो, क्लाइंट हो, किसी भी तरीके का आपका बिजनेस है, वो सब कुछ भी आप कर पाओगे। ये हमारा फिलहाल का स्टूडियो है जिसमें 2 साल से मैं काम कर रहा था, लेकिन अब नया स्टूडियो मैंने ले लिया है, उसके पास चलते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। और वो क्यों इतना स्पेशल प्रोजेक्ट है मेरे दिल के, क्योंकि पर्सनली हमेशा से मेरा एक सपना रहा है कि मैं अपना एक बहुत ही सस्ता फिल्म स्कूल ओपन करूँ, ताकि आप लोग जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते लाखों रुपए फीस देना, वो चीज़ आप बहुत ही सस्ते ऑलमोस्ट फ्री के रेट में आप सीख पाओ। नए स्टूडियो की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या वहाँ की अपडेट है। तो दोस्तों ये है मेरा स्टूडियो। अभी मतलब स्टूडियो की कहने की हालत नहीं है इसकी, क्योंकि बहुत ही गंदी हालत में है, लेकिन सारा कुछ इसको बहुत जल्दी हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जितना भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ कुछ हफ्तों की बात है, यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। इवन ये बोर्ड को भी हम अच्छा कर देंगे। वाईफाई और कैमरा हमने लगवा दिया ताकि हमारी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक दरवाज़ा था जो 2 कमरे इसको बना के रखते थे, एक वो कमरा एक ये कमरा, लेकिन एज ए फोटोग्राफर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। हालांकि ये कमरा इतना बड़ा है कि ये स्टूडियो वालों के जितने सेटअप होते हैं, जितने इससे छोटे छोटे लोगों के स्टूडियो होते हैं, हमने फिर भी इसको सिर्फ शूट के लिए बनाया है। और ये दरवाज़ा हमने यहाँ से तोड़वा दिया ताकि हमारे पास और ज़्यादा स्पेस हो जाए अच्छी फ़ोटोज़ खींचने के लिए, कि हम दूर से खड़े होकर भी मच बेटर फोटोज़ हम वहाँ की ले पाए। ये दरवाज़ा निकलवा के मैंने यहाँ से दीवार को बराबर करवा दिया, ये दीवार चौड़ी करवा दी और दरवाज़ा हमने यहाँ पर लगा दिया। दरवाज़ा यहाँ लगा के हमने इसलिए लगवाया क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए एक चेंजिंग रूम बनाएंगे, वार्डरोब रूम बनाएंगे, जहाँ पर आपके लिए कपड़े रखे होंगे जो आप पहन के मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियोज अपने बनवा सकेंगे। अभी हालत को थोड़ा सा इग्नोर करो क्योंकि खिड़कियों पे भी अभी देखो पर्दे भी नहीं है, पर्दे लगवाएंगे, पेंट वेंट करवाना, अभी सारी जगह सफ़ेदी होगी। हाल फिलहाल में Day 1 इसकी अपडेट यही है कि हमने यहाँ से दरवाजा निकलवा के यहाँ पर लगवा दिया है बस। अभी इसकी जो बाकी की कंडीशन है देखो, बाथरूम भी ठीक नहीं है, अभी फ्लश काम नहीं करता तो फ्लश भी ठीक करवाना है। यहाँ पर खिड़की भी नहीं थी तो खिड़की को हमने कवर कर दिया ताकि कबूतर वगैरह अंदर ना आए, टेप वेप मार दिया। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एसी लगाएंगे आगे चल के, कुछ टाइम बाद जब इसको सेटअप पूरा हो जाएगा तो एसी लगाने के बाद यहाँ पे बोर्ड वोर्ड फिटिंग हो जाएगी। इधर खिड़की पे पूरे पे ब्लैकआउट वाले कर्टेन लगेंगे ताकि हमारी जो रोशनी है वो बाहर से अंदर ना आ पाए, क्योंकि एज ए हमें नेचुरल लाइट का इतना शौक नहीं है जितना हमें आर्टिफिशियल लाइट से मच बेटर फोटोज़ खींच पाएंगे। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि यहाँ मैं शायद एक सोफ़ा लगाऊँ बैठने के लिए, ताकि यहाँ पर जब आपका फ़ोटो शूट हो रहा हो आपके फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पर बैठ के देख सके किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर हम अपना ऑफिस टाइप का स्टूडियो बनाएंगे, पंखा वंखा लगा दूंगा, एक लाइटें लगेंगी, लाइटों से याद आया सीलिंग पर भी ये जो 4 आपको डॉट्स दिख रहे हैं इनके ऊपर से लाइट लटकाई जाएगी ताकि हमारी जो शेडो होगी वो नीचे की तरफ रहेगी, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारे पोर्ट्रेट्स के ऊपर आएगा। यहाँ पर आप फिजिकली एक्चुअल में आके सीख पाओगे और आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप यहाँ पर आके खुद से एक्चुअल में सीख पाओगे। यहाँ पर क्लासेस दी जाएंगी कि कैसे अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं, कैसे अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कैसे सब कुछ एडिट करते हैं। और अगर आप मॉडल हो या फिर अपने बच्चे की या फिर फ्रेंड्स की या फिर वाइफ की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी की भी फ़ोटोज़ करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इतना अच्छा स्टूडियो मिलेगा जो पूरे पानीपत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, Day 2 Day 3 क्या क्या अपडेट क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होंगे, क्योंकि सब कुछ खुद मैं करने वाला हूँ जहाँ तक मेरे हाथ में होगा, पेंट वेंट सब मैं करूँगा खुद से, ताकि जो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो सब अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी प्रोहत ताकि मुझे भी प्रोहत ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग जो है इस काम को देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही मन से ये कर रहा हूँ और स्पेशली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो फिल्म स्कूल होते हैं ना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कहीं आप जाओगे, जो अगर आप बेसिक सा कोर्स भी करोगे कि वीडियोस बनाना कैसे सीखना है, उसके भी लाखों रुपए ले लेते हैं। तो वो लाखों रुपए ना लेते हुए यहाँ पे हम बहुत ही सस्ता, मतलब एकदम ऑलमोस्ट फ्री के बराबर की आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी और एकदम उन्हीं के टक्कर की आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आपको करने, बस और कुछ नहीं करना। ये डॉक्यूमेंटेशन जर्नी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम चैप्टर 2 में। तो दोस्तों जगह तो फाइनल हो चुकी है, जगह आपने देख ली कैसी है, अभी उसके ऊपर बहुत काम करना है, हफ्तों महीने लग जाएंगे उसको पूरा बनने में, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, कमेंट्स करना, लाइक्स करना, ताकि मुझे इतना प्रोत्साहन मिले कि मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू बना के उस स्टूडियो को जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए रेडी कर पाऊँ।